नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। एनडीए को चुनौती देने के लिए गठबंधन और विपक्षी दल मिलकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी फूक फूक कर कदम उठा रही है। मालूम होता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 लोकसभा सीट जीतकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया था। मोदी का लक्ष्य आगामी चुनावों में उस संख्या को पार करना है। भाजपा विकास और कल्याणकारी योजनाओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों के प्रदर्शन पर एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि 65 सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि इनमें से ज्यादातर सांसद उत्तर प्रदेश के हैं। मोदी मौजूदा सांसदों के प्रदर्शन का आंकलन कर रहे हैं। जनता के लिए काम नहीं करने वालों से छुटकारा पाने की रणनीति बनाई जा रही है। जिन लोगों की काम में रुचि नहीं है उनके स्थान पर नए उम्मीदवारों को मौका देने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल लोकसभा में बीजेपी के 301 सदस्य हैं, लेकिन 65 सांसदों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ऐसी संभावना है कि उनमें से कुछ को अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मैदान में उतारा जाएगा। ऐसा लगता है कि इनमें से अधिकतर सांसद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से है। इसीलिए बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि पार्टी नेता 65 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले लोकसभा क्षेत्रों में आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सांसदों से बात की और उनके कामकाज को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। जीत की हैट्रिक लगाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही मोदी सरकार विकल्प तलाशने के काम में जुट गई है। इन 65 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में युवा उम्मीदवारों को मौका दिए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि मोदी ने यह निर्णय यह महसूस करने के बाद लिया है कि निर्णायक दृष्टिकोण ही सफलता की कुंजी है। देखा गया है कि 30 मई से 30 जून तक देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में करीब 100 सांसदों ने सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 सांसदों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे नाराजगी भी जताई और साथ ही इस बात की चेतावनी दी कि अगर इन 65 सांसदों ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उनकी जगह किसी और को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। खास कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।